वो दोनों साहबान जो हैं वो इमरान फितने को जो है वो मिले हैं लाहौर में। ये मुसद्दका तौर पे ये खबर है कि इस पटीशन को दायर करने से पहले ये दोनों सीनियर वकला साहबान इमरान फितने को जमान पाक लाहौर में जो है ये मिले हैं और उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले हैं और उसके बाद जो है ये जो है वो पेशरफ्त हुई है। ये बात कैसे साबित होती है? ये बात ऐसे साबित होती है कि जब कल काजी फैज ईसा साहब ने बेंच में बैठने से इनकार किया उसके बाद दोनों वकला साहबान ने उनकी मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि नहीं जी नहीं आप बैठें, आप जरूर बैठें, आपकी इसमें जो है वो राय आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला जो है ये इन एतराजात की बुनियाद के ऊपर मैं नहीं सुनना चाहता। तो एकदम उनके मुंह से निकला कि चीफ जस्टिस साहब हमने तो आपको पहले ही कहा था कि फुल बेंच बना दें। वो भाई पिटीशन आपकी जो है वो आज उसकी समाप्त हो रही है, वीडियो मौजूद है, यानी पिटीशन आपने दायर की है, पिटीशन की समाप्त आज हो रही है। आपने कब कहा था इनको? आज जब सुबह से आप पेश हुए हैं तो उस वक्त से तो कोई बात नहीं हुई। आपने कब कहा था? उस मुलाकात में कहा था। उस मुलाकात में मुबैना तौर पर यह बात डिस्कस हुई कि जी कौन सा बेंच बनाया जाए और उस मुलाकात में यह भी डिस्कस हुआ कि काजी फैज ईसा साहब का, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में एक उनकी राय पाई जाती है, लिहाजा उनको भी शामिल कर लिया जाए, वरना पिछले एक साल में उन्हें किसी बेंच में जो है वो शामिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस साहब ने कभी यह मुनासिब नहीं समझा कि उन्हें वो अपने साथ बैठने की इजाजत भी दे।